छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है। इस मामले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। एफआईआर में पीएससी के पूर्व चेयरमैन तामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव के साथ ही कांग्रेस नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। बता दें कि विष्णुदेव साय सरकार ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी सिफारिश की है। अब एसीबी की कार्रवाई के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, वो तो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे देश के सोशी प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे कि हमारे बच्चों के साथ जो पीएससी में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होगी और सीबीआई को सौंपे हैं, उसमें एफआईआर भी हुआ है और जो भी दोषीदार है कोई बचे नहीं। बता दें छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैलियों में पीएससी भर्ती में गड़बड़ी के मामले को जोर शोर से उठाया था। प्रदेश में सरकार बनने के बाद साय कैबिनेट ने 4 फरवरी को पीएससी की कथित गड़बड़ी के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से करवाने की सिफारिश करने का फैसला लिया। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू और सीबीआई के निशाने पर तामन सिंह सोनवानी, पीएससी सचिव, परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, अन्य अधिकारी और नेता आ गए हैं। पीएससी की ओर से राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए 11 मई 2023 को चयन सूची जारी की गई थी। इनमें टॉप 15 नामों को लेकर अभ्यर्थियों ने भाई भतीजावाद का आरोप लगाया था। भाजपा ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपकर पीएससी मामले की जांच कराने की मांग भी की थी। इतना ही नहीं, पीएससी की कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर भाजयुमो ने पीएससी का घेराव और प्रदर्शन किया था। वैसे तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही पीएससी जैसी संस्था हमेशा से विवादों में रही है। इसके पहले साल 2003 की भर्ती परीक्षा में भी विवाद हुआ था। अब लोकसभा चुनाव के पहले इस मामले में अपराध पंजीबद्ध होने और बड़ी कार्रवाई होने से युवाओं के बीच बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। रायपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।